हमारे समाज के हमारे लोगों को बरसों से गुलाम बनाने का आदत बना हुआ था, वो लोगों को हजम नहीं आया और उन्होंने सोचा कि फिर से ये समाज को कैसे गुलाम बनाया जाए, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। ये ऑप्शन तो हमारे पास भी था उन लोगों को सरकार से बाहर करने का, लालू जी की बात मान लेता और तो शायद मैं डिप्टी सीएम रहता और सरकार आज यूपीए का होता। एनडीए सारी शक्ति लगा दिया, उसके बावजूद भी 45,000 वोट लाया और मैंने अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया। 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम बिहार में तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 27 सीट हम कर रहे हैं और झारखंड में 3 लोकसभा सीट कर रहे हैं। कि जो लोगों को हमारे समाज के हमारे लोगों को बरसों से गुलाम बनाने का आदत बना हुआ था, वो लोगों को हजम नहीं आया और उन्होंने सोचा कि फिर से ये समाज को कैसे गुलाम बनाया जाए, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। ये ऑप्शन तो हमारे पास भी था उन लोगों को सरकार से बाहर करने का, लालू जी की बात मान लेता और तो शायद मैं डिप्टी सीएम रहता और सरकार आज यूपीए का होता। एनडीए सारी शक्ति लगा दिया, उसके बावजूद भी 45,000 वोट लाया और मैंने अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया। 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम बिहार में तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 27 सीट हम कर रहे हैं और झारखंड में 3 लोकसभा सीट कर रहे हैं। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। प्रशांत किशोर बिहार का बेटा है और उनको पूरा देश और दुनिया जानता है। 2025 का चुनाव में लालू जी नज़र नहीं आएंगे, ना नीतीश जी नज़र आएंगे, ना हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नज़र आएंगे, ना माझी जी नज़र आएंगे, नए नेतृत्व को मौका मिलेगा। ना उद्देश्य एक ही है कि पार्टी को और मजबूत करना है। आपने देखा कि पिछले हम लोगों ने कई सालों में 6-7 सालों में संघर्ष करके एक अच्छा संगठन बना के पार्टी बना के और बिहार के राजनीति में एक अच्छा हम लोग काम कर रहे थे, खास करके गरीब पिछड़े दलित ऐसे लोगों के लिए जिसका आवाज़ पटना तक नहीं जा पहुंचता था। 75 साल से हमारा समाज देश की आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दिल्ली पटना तक नहीं पहुंचता था। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने संगठित हुए और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे थे और सरकार का हिस्सा बन चुके थे। सिर्फ सरकार तक आवाज़ पहुँचा ही नहीं रहे थे, सरकार का हिस्सा बन गया था। 4 पार्टी की सरकार था, उसमें एक पार्टी वीआईपी पार्टी और हमारे सहयोग से सरकार बना था। ये उपलब्धि हम लोगों ने संगठन बना के पाया। उसके बाद आपने देखा कि जो लोगों को हमारे समाज के हमारे लोगों को बरसों से गुलाम बनाने का आदत बना हुआ था, वो लोगों को हजम नहीं आया और उन्होंने सोचा कि फिर से ये समाज को कैसे गुलाम बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने एक अपनी रणनीति बनाया और रणनीति बनाया उन्होंने फिर हमारे सीट पे दखल दिया, हमारा सीट को कब्जा किया, फिर हमारे पार्टी के विधायक को खरीद के अपने पार्टी में मिला लिया, उसके बाद फिर हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। ये ऑप्शन तो हमारे पास भी था उन लोगों को सरकार से बाहर करने का, लालू जी की बात मान लेता और तो शायद मैं डिप्टी सीएम रहता और सरकार आज यूपीए का होता। लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से आगे बढ़ने का काम किया, लेकिन हमारे साथ देखा आपने कि किस तरीके से छल किया गया। खैर कोई बात नहीं है, उसके बाद हम लोगों ने मैदान में उतरे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि ओछा विधानसभा चुनाव में एनडीए सारी शक्ति लगा दिया, उसके बावजूद भी 45,000 वोट लाया और मैंने अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया। और जो सीट 2020 में हमने 12,000 वोट से जीता था, वो सीट एनडीए इस वक्त का एनडीए 36,000 वोट से हारा। तो हमारी ताकत एक अलग है। राज्य में जो सरकार बनाने के लिए 35-36% वोट चाहिए, उसका आधा वोट हमारे पास है और आधा वोट और व्यवस्था करना है। हर जाति धर्म के लोगों से मिलना, हर युवा से मिलना है और खासकर गरीब समाज लोगों से मिलना है कि उनकी हक अधिकार की बात हम पटना तक करेंगे। और उसके लिए आज हम मुथियारी में आए, कल हमने कार्यक्रम किया, बहुत सारा लोगों से मिला, बहुत सारा मेरा निधि कोष से हमने खर्च किया और शिलान्यास किया, बहुत ऐसे जगह उद्घाटन किया, ये कार्यक्रम हुआ। आज फिर मैं अभी बेतिया जा रहा हूँ, बेतिया में कार्यालय का उद्घाटन है और उस वहाँ से खास करके वाल्मीकि नगर और बेतिया और मुथियारी का कुछ हिस्से का कुछ लोकसभा सीट का विधानसभा की तैयारी होगा। इसी तरीके से पूरे बिहार में हमने 13 जोन में हमने बिहार को बांटा है और 13 कार्यालय जो हम लोग वहाँ पर उद्घाटन करेंगे, जो पटना से निषेधित होगा और बाकी जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे या प्रखंड लेवल पे तो पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। सीटों पर इस बार लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम बिहार में तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 27 सीट हम कर रहे हैं और झारखंड में 3 लोकसभा सीट कर रहे हैं। टोटल हम लोग 70 लोकसभा सीट को तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तीनों राज्य में संगठन पे काम होगा मजबूती से, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा का चिन्हित किया। तो मजबूती से अभी मेरा मिशन है कि जब हमारे पास 18% वोट है तो हम किसी पार्टी के पीछे क्यों घूमेंगे। लोग 3-5% वाले लोग बिहार में राजनीति कर लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन
हमारे पास 18% वोट है। अति पिछड़ा समाज में काफ़ी बड़े पैमाने में 128 जाति है, मजबूती से वीआईपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं। आज निषाद समाज वीआईपी पार्टी का वोटर नहीं है, एक मजबूत कार्यकर्ता बन चुका है। और ये बोछाव चुनाव में साबित कर दिया कि जहां हमारे पास 8 से 10% वोट है, गिराने का कैपेसिटी है, वहीं 18% वोट आता तो जाहिर सी बात है हर समाज हर वर्ग में हमारा पार्टी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इसके कारण हमारे पास इतना वोट आया, तो इसके लिए आज और भी मजबूत हो, अपने लोगों के बीच में जाना आना लगा रहे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम सरकार में थे तो उतना समय हम नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि सरकार में रहकर सरकार के लिए काम करना, बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए काम करना, उसी में से लोगों के बीच में से आना जाना थोड़ा कम हो रहा। अभी मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ, तो मैं अभी चाहूँगा कि पूरे बिहार में हर जिला हर प्रखंड में अपने लोगों को और जागरूक करूँ, उनको बताऊँ कि जो लोग आपको गुलाम बनाना चाह रहा था वो उनसे उसको जंजीर को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए जिस तरीके से आपने 2018 में पार्टी बना के 20 तक में जंजीर तोड़ के और सरकार का हिस्सा बन गए, उसी तरीके से आने वाले समय में 24 और 25 का चुनाव के लिए तैयारी करना है। क्योंकि आपका अगर कल्याण होगा तो सिर्फ सरकार में हिस्सेदारी लेकर ही कल्याण हो सकता है।